आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पालक लहसुनी। चलो बनाते हैं। गैस की फ्लेम हाई करके एक कढ़ाई रख देंगे, उसमें 4 कप पानी डालते हैं और 1 चम्मच शक्कर डाल के मिलाएंगे। पानी को बॉईल आने के बाद हम उसमें धोया हुआ पालक डाल देंगे और 2 मिनट पकाएंगे। हमने यहाँ पे पानी में शक्कर डाली है जिससे पालक का कलर बदलता नहीं है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। हमने एक बोल में ठंडा पानी लिया है। 2 मिनट पालक पकने के बाद हमें तुरंत ही पालक को ठंडे पानी में डाल देना है। ठंडे पानी में डालने से पालक का कलर ग्रीन ही रहता है। ठंडा होने के बाद यहाँ पे हमने जितना पालक लिया था इसमें से आधे से ज़्यादा पालक हम ग्राइंड कर लेंगे और बाकी बचा हुआ पालक हम बारीक काट लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। स्लो फ्लेम पर कढ़ाई रखकर हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही उसमें 1 कटी हुई प्याज डाल देंगे और सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद उसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालते हैं, उसे भी सॉफ्ट करते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर मिक्स करते हैं। यहाँ हम 1 चम्मच बेसन डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इससे हमारी सब्जी को थिकनेस आएगा। अब डालते हैं सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। कटा हुआ पालक डालकर मिलाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं हमें इसे चलाते हुए। अब हमने जो पालक की प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें दही डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। दही की जगह आप क्रीम भी ले सकते हैं। इसके बाद 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि पालक में नेचुरली थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो गए हैं, अब इसे खोल के चेक करते हैं। एकदम परफेक्ट कुक हो गई है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। स्लो फ्लेम पर तड़का पैन रखकर उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। घी के गर्म होते ही जीरा, कटा हुआ लहसुन। लहसुन हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि हम यहाँ पे लहसुनी पालक बना रहे हैं। 2 सूखी लाल मिर्च, हींग, 1 चम्मच तिल डालेंगे और मिक्स कर देंगे। लहसुन का कलर हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। लहसुन का कलर अब ब्राउन हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस तड़के को पालक की सब्जी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है लहसुनी पालक। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है।
आप इसे रोटी, पराठा या राइस के साथ खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।